लै त हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को टपिक छ पावर एन्ड इफिसियन्सी भन्ने सजिलो टपिक छ. पावर भनेको हाम्रो के भनेको भनेपछि पावर के पावर भनेको पावर भनेको रेट अफ डुइङको है रेट अफ डुइङलाई चाहिँ पावर भन्छ हामीले. अन्त रेट इट इज द वर्क इज डन भनेको पावर भनेपछि चाहिँ हामीले लेस रेट अफ वर्क पावर भनेको के लेखेको छ जस्तो पावर भनेको डी डब्लु बाई डिटी रेट अफ डुइङ होप है रेट अफ डुइङ होप हामीले चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन अथवा चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन भनेको डिएक्स बाई डिटीलाई भेलोसिटी लेख्छ नि. रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको डिभी बाई डिटी इजिकल टु एक्सिलेरेसन. रेट अफ चेन्ज भनेको डिफरेन्सिएसन स्पेसिफिक टु टाइम जस्तो भयो. रेट अफ चेन्ज अफ अथवा सरी रेट अफ डुइङ होप भनेको लाई चाहिँ हामीले पावर हुन्छ. द रेट एट विच द वर्क इज डन है द रेट एट विच द वर्क इज डन. अनि हामीलाई के थाहा छ भने यो डिटेल भनेको सानोहरूको सिम्पल हामीले अस्ति हिजो लेखेको छ हेरौँ. जस्तै हामीले चाहिँ फोर्स छ यो डिस्टेन्स चाहिँ एसबाट चाहिँ एस वानदेखि चाहिँ एस टुसम्म गयो. यस चाहिँ फर सानो डिस्टेन्स डिएसको लागि चाहिँ यो अल्फा छ भने सानो वर्क डिडब्लु कति हुन्छ भनेको एफ कस अल्फा टाइम्स डिएस हुन्छ भनेको है. सानो यो सानो डिस्टेन्स डिएसको लागि है यो एसवानदेखि एस टुसम्मको लागि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ यो अथवा टोटल डिस्टेन्स राख्नुपर्छ भनेको त. भनेपछि अब यसमा चाहिँ के छ भने डिडब्लु भनेको के छ एफ कस अल्फा टाइम्स डिएस त्यही केसमा है एफ कस अल्फा टाइम्स डिएस डिभाइड बाई डिटी डिटी है. अब डिएस भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट डिएस भनेको डिएस बाई डिटी भनेर चाहिँ के हो फेरि भेलोसिटी हो कि न भेलोसिटी है. यो भनेको फोर्स कस अल्फा टाइम्स भेलोसिटी भयो. अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेखिन्छ के भने अब यसलाई चाहिँ हामीले वर्कडनलाई चाहिँ के लेखेको थियो वर्कडनको सिम्पल फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्टको डट प्रोडक्ट पनि हुन्छ भने लेखिसकेको थियो. त्यस्तै पावरलाई चाहिँ के लेखिन्छ रहेछ पावर भनेको फोर्स डट भेलोसिटीको डट प्रोडक्ट पनि हुँदैछ. अथवा सिम्पल हामीले फोर्स हामीले फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट भएपछि जसरी चाहिँ वर्क निकाल्थ्यौँ त्यसै गरेर चाहिँ वर्क र सरी फोर्स र भेलोसिटी भयो भने हामीले चाहिँ पावर निकाल्न सक्छौँ. जस्तै यो फोर्स हो यो फोर्स हो अब पावर चाहिँ कुन डिरेक्सनमा निकाल्ने भन्ने कुरा जस्तै फेरि पनि मोसन यो डिरेक्सनमा छ लेस चाहिँ मोसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ मोसन डिरेक्सन डिरेक्सनमा छ. हामी चाहिँ यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ सपोज डेल्टा एस डिस्टेन्स डेल्टा एसमा चाहिँ मैले एस लेख्छु डेल्टा एस डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ यो फोर्स लगाएर चाहिँ पार्टिकल यो पोइन्टदेखि चाहिँ यो पोइन्टसम्म चाहिँ डेल्टा एस डिस्टेन्स सरी एस मात्र डिस्टेन्स एस डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ र यो डिस्टेन्समा चाहिँ बडी ट्राभल गरिरहेको छ भनेपछि बडीको चाहिँ यो डिरेक्सनमा भेलोसिटी देखाइ छैन भनेपछि भेलोसिटी पनि यो डिरेक्सनमा छ बडी ट्राभलिङ इन द्याट डिरेक्सन है. अनि यही डिरेक्सनमा चाहिँ बडी ट्राभल गरिरहेको छ भने भेलोसिटी पनि यो डिरेक्सनमा छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो अल्फा छ भनेपछि फोर्स कस अल्फा भनेको कम्पोनेन्ट अफ फोर्स इन द डिरेक्सन अफ मोसन है कम्पोनेन्ट अफ फोर्स इन द डिरेक्सन अफ मोसन इन्टु चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो डिस्प्लेसमेन्ट राख्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के आउँछ यो वर्क आउँछ. तर ए कम्पोनेन्ट अफ फोर्स इन द डिरेक्सन अफ मोसन कम्पोनेन्ट अफ फोर्स इन द डिरेक्सन अफ मोसन टाइम्स कति भेलोसिटीले हिँड्दा छ यो भेलोसिटी गर्यो भनेदेखि चाहिँ के आउँछ पावर आउँछ है. सिम्पल हाम्रो यी डिस्टेन्ससम्म चाहिँ भेलोसिटी हान्यो. अब यहाँ सजिलो छ नाचिस खासमा केही छैन. अब पावरको युनिट चाहिँ हामीले अब रेट अफ चेन्ज अफ वर्क भनेपछि वर्क भनेको चाहिँ इनर्जीको युनिट हो इनर्जी भनेको जुल हो भनेपछि हामीले रेट अफ चेन्ज अफ वर्कलाई चाहिँ जुल पर सेकेन्ड चाहिँ पावरको युनिट लिन सक्छौँ. अब हामीले चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ जुल पर सेकेन्डको लागि चाहिँ खासमा जुल पर सेकेन्डमा के पनि भन्छ अर्को वाट पनि भन्छ है जुल पर सेकेन्डलाई चाहिँ वाट पनि भन्छ भनेपछि पावरको युनिट चाहिँ के हो जुल पर सेकेन्डमा पावरको युनिट अर वाट इज द युनिट अफ पावर है वाट. हामी चाहिँ कहिले काहीँ हर्स पावर लेखा हुन्छ वान हर्स पावर इजिकल टु 746 वाट वान हर्स पावर इजिकल टु 746 वाट. अब पावर भनेको चाहिँ पावरमा चाहिँ यति नै हो है खासमा हामीले पढ्नु भने. अब इफिसियन्सी हेरौँ अब इफिसियन्सी भनेको चाहिँ के भयो भने अब इफिसियन्सी भनेको सिम्पल हामीले कुनै पनि काम गरिरहेछौँ कुनै पनि वर्क गरिरहेछौँ इफिसियन्सी भनेको चाहिँ हामीले लगाएको इफोर्ट कति हो हामीले चाहिँ कति दुःख गरिरहेछौँ र त्यसको रिजल्ट चाहिँ कति आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले इफिसियन्सी भन्छौँ. भनेको हामीले केहीमा पनि काम गरिरहेछौँ कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ भनेपछि चाहिँ हामीले गरेको काम कति हो र चाहिँ त्यसको आउटपुट कति आयो त्यो चाहिँ हामीले इनपुट कति दियौँ इफिसियन्सीहरूमा चाहिँ यसलाई इफिसियन्सीलाई यहाँनिर रिभ्यु गर्छु म पावर चाहिँ फिले गर्छु. इफिसियन्सी भनेको चाहिँ हामीले जस्तै इफिसियन्सी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुट कति दियो
input ओ कर दियो या output ओ कर दियो simple efficiency हम लोग जनरल सेंस में बने बने जाएं efficiency बने कर जाएं like मर जाएं cost बना बने जो भी चाहे मेरे input हो तेथी नहीं मेरे output निकालने से क्यों बने 100% efficiency उनसे बना बने को 100% efficiency तो कुनी पनी काम गौत है जाएं 100% efficiency में बन सके देना जैसे जाएं ओके जस्ट जैसे मैं यो एग्जांपल दें यो मैंने ना लीटर दिया था मैंने ना लीटर दिया था जैसे यो पानी को लेवल आया था ऐसे मैंने ना तो आंसे पेनस्टॉक बनाया था पेनस्टॉक बनाया था ना पाइप पर तो पानी तल लियो आइडल बारिश में लियो जैसे जैसे आइडल बारिश में आने पर पानी लियो नहीं ऐसे टॉर्बेंट चले से सब जोर में तारों टॉर्बेंट चले रोटी लगा सब तो टॉर्बेंट चले पावर जनरेट करते हैं वंचित हैं ये इसको जैसे हम इनर्जी बनाते हैं और यहाँ जैसे ये इसको इनर्जी ये पानी की इनर्जी यहाँ ने रखा था पानी की इनर्जी यहाँ ने रखा था और तब पानी को वेलोसिटी बनी वाला वेलोसिटी यहाँ ने आया था है यो पोटेंशियल पानी को पोटेंशियल इनर्जी को कारण करता है मूव हुआ सब पानी को पोटेंशियल इनर्जी कारण करता है मूव वाले बजार से यहाँ ना रहेगा मैं वेलोसिटी उनसब तो वाले को कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक इनर्जी और पोटेंशियल इनर्जी कॉन्सेप्ट हो यहाँ से काइनेटिक इनर्जी जीरो उनसब पोटेंशियल इनर्जी मात्रा उनसब तर यो पॉइंट में आता पोटेंशियल इनर्जी जीरो वाला काइनेटिक इनर्जी मात्रा वाला मतलब कुछ वाला वेलोसिटी बी वाली वेलोसिटी से आई रहा था क्या आई रहा था वाटर से बी वाली वेलोसिटी आई रहा था यो बी वाली वेलोसिटी आता है ऐसे इसको काइनेटिक इनर्जी बने होते हो 1/2 एम वी स्क्वायर है तो चाहे यहाँ ने जाए हमने जाए ये चाहे कोई इनपुट इनर्जी हो इनपुट इनर्जी इनपुट करके हम लोग क्या हो 1/2 एम वी स्क्वायर हो इनपुट इनर्जी चाहे 1/2 एम वी स्क्वायर है अब चाहे टॉर्बाइन रोटरी बाद है जाए अब यहाँ ने कोई पानी कोई वाटर लॉस भी नहीं हो सकता कुनी वाटर लॉस भी नहीं हो सकता और ये टॉर्बाइन रोटरी कर है जैसे इसके फ्रिक्शन के कारण कर है जैसे लॉस भी नहीं हो सकता सब उसके अलावा ये टॉर्बाइन लेते हैं ये 1/2 एमबी स्क्वायर लेट्स से फॉर सम एग्जांपल को लाइज हैं इसके बारे में हम लोग 50 यूनिट्स लेख से मुझे जस्ट उसी यूनिट्स में सकता वहाँ से जूल होता तो हमारे जूल लेख है सानो सुनेला वहाँ का 50 लेख है अब जैसे ये टॉर्बाइन ने निकालने आउटपुट टॉर्बाइन ने प्रोड्यूस करने इनर्जी चाहिए सपोज करो टॉर्बाइन ने प्रोड्यूस करने इनर्जी चाहिए टॉर्बाइन को इनर्जी चाहिए और टॉर्बाइन ने सब कंप्लीट इनर्जी यहाँ जो दिशा तेरी इनर्जी जाए प्रोड्यूस कर सकेगा इनर्जी तो कौन सा बनता इनर्जी लॉस होने वाला कैसे कोई ना तो जाए यहाँ ने जाए हमें और फॉर्म्स हीट इनर्जी लॉन्चेस वजह से हीट इनर्जी में बना ना अन्य और उनको साउंड इनर्जी में जैसे माध्यम वाला पानी आया था यहाँ स्ट्राइक करके बताते हैं एकदम ठुलो साउंड आउट था उनको साउंड इनर्जी में अपनी लॉस हो जाता है इनर्जी से उनको साउंड इनर्जी में अपनी ट्रांसफर हो जाता है जैसे हमने चाहिए को साउंड इनर्जी तो होने दा इधर रोटी का इलेक्ट्रिसिटी निकालना पड़ने वाले हमने चाहिए को इनर्जी चाहिए इस वजह से मानो 40 यूनिट्स मात्र आए मतलब हमने समझ के मतलब इफेक्टिव वर्क इफिशियंसी चाहिए इस तरह से मतलब हमने इनपुट करके इनर्जी का 50 हो इनपुट करके इनर्जी 50 हो तो आउटपुट इनर्जी का 40 आया मतलब इस तरह से मतलब इसको इफिशियंसी का देंगे 40 आउटपुट का क्या है डिवाइड बाय 50 है तो ये रहता है ये तो इसकी इफिशियंसी का है और सिंपल ये एग्जांपल को लाइक पूछा देगा मैं तो ठीक है पौषी सिविल ने तो पौषी पढ़ने को नहीं पड़ता लागू ऐसे पार्ट में पढ़ने पड़ता इरिगेशन में पढ़ने पड़ता ये चीजों में आंसर पता है डिटेल में तो जस्ट हम लोग ते और जस्ट कुने और ये चीज़ हम लोग वाटर मूविंग थे वाटर मूविंग वाटर होता है जैसे हम लोग जैसे टॉर्बाइन में स्ट्राइक करे बसे आइटम्स की इलेक्ट्रिसिटी निकाल ला टॉर्बाइन में स्ट्राइक करे बसे जैसे तैने जो टॉर्बाइन में स्ट्राइक करे बसे तैने रा स्प्लैश हो जाओ जैसे साउंड हो जाओ जैसे साउंड इनर्जी में जैसे लॉस होने इनर्जी एक किसी में लॉस बनो साउंड नहीं जानो चाहिए कोई ना साउंड इनर्जी रत्यानेर पर जाए वो जस और उपनी और फॉर्म्स ऑफ इनर्जी बनी डिस्टरबेंस और इनसी से इनसी की राग होने जाए तो और फॉर्म्स ऑफ इनर्जी में बनी त्यानेर हीट इनर्जी में बन ट्रांसफर होने जाए कि ना मात्र वर आएगा पानी तो घूम देगा था ताती हो अथवा चीज़ हो गया कई बार होने जाए हीट इनर्जी में बनी लॉस होने सकता लॉस होने जाए मतलब इनर्जी जहाँ से लॉस होने बंदा बनी अदर फॉर्म्स हमें चाहिए नॉट नीडेड फॉर्म्स ऑफ इनर्जी में ट्रांसफर होने जैसे तो किस में हमें हिट साउंड इनर्जी चाहिए थे जैसे अदर फॉर्म्स ऑफ इनर्जी में ट्रांसफर भर होना चाहिए ट्रांसफर होने होना चाहिए वो होने पर इनर्जी होने एवटे नहीं होता लगभग इनर्जी नहीं यूनिट भी एवटे हो हमें इनपुट दिया इनर्जी कहीं आउटपुट दिया इनर्जी में बराबर बन सकता क्योंकि हमें नचाइए कुछ कुछ एवं इनर्जी फॉर्म्स में तो चेंज होता है क्या तो इसलिए इसका इफिशियंसी हमें आउटपुट वर्क इनपुट वर्क सिंपल ये बुझ्नु पर्छ इफिशियंसी आउटपुट वर्क इनपुट वर्क मात्र हो तर मैं चाहे देखें यह इज अलवेज लेस देन वन है
is always less than 1, right? 1 is always common. So, you know, frictionally, it's going to output work, reduce the power inefficiency.